तो आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्या की अवधारणा में क्या है आप प्रतिलोम के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए क्या है एक योज प्रतिलोम, एक क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए जब योज और गुणात्मक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे बात मुझे समझ आती है यदि क्या है दो दिया गया है, क्या है पहले की योगात्मक बात करेंगे तो क्या कहें दो का क्या है प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा। इसी से तीन का प्रतिलोम कितना हो जाएगा माइनस तीन हो जाएगा। चार का प्रतिलोम कितना हो जाएगा माइनस चार हो जाएगा। पाँच का प्रतिलोम क्या है माइनस पाँच। यह किस कंडीशन में होता है जब योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तब। जब गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि दो का क्या है प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक बटे दो हो जाएगा। तीन का प्रतिलोम कितना हो जाएगा एक बटे तीन हो जाएगा। चार का प्रतिलोम कितना हो जाएगा एक बटे चार हो जाएगा। पाँच का प्रतिलोम एक बटे पाँच हो जाएगा। तो इसे सॉल्यूशन करेंगे सबके बराबर क्या मिलेगा आपको एक मिलेगा। चूँकि हम जानते हैं एक क्या होता है हमारा, यह आइडेंटिटी होती है किसकी होती है, जब एक की बात करेंगे तो एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन की होती है, तब इसके और इसके बराबर कितना आएगा शायर के बराबर कितना होगा जीरो होगा। तो यही हमारा क्या बोलते हैं प्रतिलोम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं रेसिप्रोकल करेंगे कहते हैं। आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन रेसिप्रोकल। देखिए जब क्या है हम किसी भी संख्या या किसी नंबर की बात करते हैं, जैसे आई स्क्वायर रूट जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और क्या प्लस माइनस थ्री और प्लस माइनस फोर और प्लस माइनस क्या फाइव और डट डट अब इसी तरह से क्या है सीक्वेंस आपको दिया गया है। यदि कहेंगे इसका दो है तो दो का क्या है इन्वर्स क्या होगा, या कहेंगे दो के इन्वर्स नहीं हम कहेंगे दो का रेसिप्रोकल क्या होगा, दो का क्या है योज प्रतिलोम क्या होगा। तो आप बताएंगे दो का माइनस दो हो जाएगा, तीन का क्या योज प्रतिलोम माइनस तीन हो जाएंगे, चार कितना माइनस चार हो जाएगा। क्यों क्या क्योंकि जब क्या है इसका प्रतिलोम के जब क्या एडिशन करेंगे तो बिल्कुल क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब जीरो के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे एक दूसरे को क्या है वो रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से क्या हुआ दो दो और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा माइनस टू बराबर कितना जीरो हो जाएगा। सात लेंगे प्लस माइनस सेवन इसका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हम इसे कहते हैं योज सर संख्या कहते हैं। तो इस तरह से क्या है यहाँ पे इसके कुछ डिफिनेशन हम आपको बताए हैं। यदि किसी अवयव ए के लिए समुच्चय ए ध्यान दीजिए यहाँ पे समुच्चय ए में मतलब ए बराबर कुछ आपको एक सेट दिया गया है, ए बराबर आपको कोई एक सेट दिया गया है, इसमें कुछ क्या एलिमेंट हैं कुछ तत्व हैं। तो क्या कह रहा है ए में एक ऐसा अवयव यक्स एक अवयव यक्स ऐसा है इसमें मतलब एक यक्स है और ऐसा है कि यक्स प्लस ए मतलब एक अवयव ए था और कह रहा है कि इसमें से एक से समुच्चय है उसमें से एक ऐसा अवयव यक्स है उसमें क्या करेंगे कि प्लस कर दिया गया है एक्स कर दिया बराबर क्या हो गया जीरो। इसी को क्या कहते हैं योग सर संख्या कहेंगे। यह कब जीरो होगा जब यक्स बराबर माइनस ए होगा तभी जीरो होगा ना। यदि कहेंगे या तो यक्स बराबर माइनस ए रखें या कहेंगे या ए बराबर माइनस एक्स रखें तभी जीरो होगा। तो इस तरह से इसे हम क्या कहेंगे योग या योग सर क्या सर संख्या कहेंगे। तो यक्स की योग की सक्रिया में ए का योज प्रतिलोम कहते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा योज प्रतिलोम हो जाएगा, कहेंगे ए का योज प्रतिलोम माइनस ए हो जाएगा। और क्या योज प्रतिलोम की क्या है किसके द्वारा डिनोट करते हैं किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं माइनस ए के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से क्या हुआ यह हमारा क्या हो गया योज प्रतिलोम हो गया। तो जब भी आपको क्या है दो दे दिया और क्या कहा देगा इसका योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा, इसका योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा बस दो है माइनस दो बता देना है। कि जैसे सात दिया गया सात का क्या है योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा योज माइनस क्या जाएगा सात हो जाएगा। बी है बी का योज प्रतिलोम क्या जाएगा माइनस बी हो जाएगा। सी है सी का क्या योज प्रतिलोम माइनस सी हो जाएंगे। डी का योज प्रतिलोम कितना हो जाएंगे माइनस डी हो जाएगा। यह हमारा क्या योज प्रतिलोम हो गया। बिल्कुल क्या है जब इसे जोड़ेंगे तो उसके क्या योग क्या है जीरो के बराबर होगा, क्योंकि जीरो हमारा क्या आइडेंटिटी एडिशन की होती है इसलिए क्या है वह योज प्रतिलोम कहलाएगा। आइए हम बात करेंगे क्या अब क्या है गुणात्मक प्रतिलोम की। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम इसे क्या कहते हैं हम मल्टीपल रेसिप्रोकल। देखिए जब इसकी बात करेंगे जैसे कोई संख्या ले लीजिए
दो तीन सात पाँच नौ तेरह अठारह और क्या हो गया 22। हम कहेंगे इसका क्या है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा। जब क्या है दो का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाएगा तो दो का कितना आ जाएगा 1/2, तीन का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ जाएगा 1/3, सात का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 हो जाएगा और पाँच का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा, नौ का गुणात्मक प्रतिलोम 1/9 हो जाएगा, तेरह का गुणात्मक 1/ कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, अठारह का कितना जाएगा 1/18 हो जाएगा और 22 का कितना हो जाएगा 1/22 हो जाएगा, 1/22 हो जाएगा। इस तरह से यही हमारा क्या गुणात्मक प्रतिलोम है। तो कहने का मतलब यह है कोई भी आपको संख्या दे दे, चार दे दे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा क्या होगा, चार का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। हम कहेंगे चार और 1/4 का क्या है गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बराबर एक हो जाए, एक होना चाहिए, एक रहेगा तभी हम कहेंगे यह एक दूसरे के क्या है क्या गुणात्मक प्रतिलोम है। चार का गुणात्मक प्रतिलोम कितना 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिए हम कहेंगे 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना 3 हो जाएंगे, 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा केवल 7 हो जाएगा, 1/5 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1/9 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1/13 का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1/18 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और क्या 1/22 का क्या है गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है बिल्कुल उसका क्या करें अपोजिट कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे वही क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। और योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम में कि बिल्कुल क्या है इसका चिन्ह केवल चेंज कर दीजिए, जैसे -4 है इसका क्या योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा इसका लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा -4 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जैसे 5 दे दिया गया 5 का योगात्मक प्रतिलोम ये हमारा योगात्मक है योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम। जब योगात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे -4 रहेंगे तो +4 हो जाएगा, जब 5 दिया गया है तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, जैसे -7 दिया गया तो कितना हो जाएगा केवल 7 हो जाएगा, तो -7 ये बार रहेगा एक माइनस बाहर से बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से क्या है -4 -5 दिया गया योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा केवल 5 आप बताएंगे, माइनस से इधर प्लस बताएंगे, प्लस का जब पूछेंगे तो क्या बताएंगे -5 हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या है -6 का क्या है योगात्मक प्रतिलोम कितना जाएगा 6 हो जाएगा, 4 क्या है 13 का योगात्मक प्रतिलोम कितना जाएगा -13 हो जाएगा, क्या जिसे आपको 10 दिया गया 10 का योगात्मक प्रतिलोम कितना जाएगा -10 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है ये हमारे गुणात्मक हो गए वो हमारे क्या योगात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक योग प्रतिलोम क्या कर जस्ट उसका क्या उल्टा कर देंगे, उसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं, चिन्ह को क्या कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल चिन्ह केवल कितने बदला जाएगा योगात्मक प्रतिलोम केवल चिन्ह बदलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा गुणात्मक हो गया ये हमारा क्या हो गया योगात्मक प्रतिलोम हो गया। इस तरह से केवल पेपर में आपको दिया रहेगा एक संख्या दे दिया रहेगा और पूछेगा इसका योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसी तरह से क्या है और एक हमारा टॉपिक है इन्फिनिटी, देखिए इसी क्या है हमारे टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है पूर्णांकों की घात। देखिए पूर्णांकों की जब घात की बात हम करते हैं कि कोई भी संख्या दिया रहे उसका क्या घात जैसे क्या है 2 ले लें, 2 के पावर हम 2 कर दें, हम कहेंगे 2 हमारा एक पूर्णांक है क्योंकि पूर्णांक हम क्या है कैपिटल आई के द्वारा डिनोट करते हैं। कैपिटल आई का मतलब ये होता है कि इसमें से 0 भी होगा +-1 +-2 और +-3 भी रहेंगे, तो +-1 +-2 +-3 ऐसे क्या बढ़ते चले जाएंगे यही हमारे क्या कहलाता है इंटीजर कहलाता है, इसे क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। अब कह रहा है इसकी घात की बताइए, मतलब क्या है जैसे 1 की घात हम कहेंगे 1 का घात 2 मतलब क्या है 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसी तरह से 2 की घात 2 मतलब 2 × 1 कितना हो जाएंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से 3 के पावर यदि 3 कर दें इसका मतलब ये होता है 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3 बराबर कितना आ जाएगा 3 × 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और क्या है 2 के पावर क्या 4 कर दें इसका मतलब ये होता है 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है 4 बार करना है, 2 का गुणा कितनी बार करना है 4 बार करना है,
सही, लिखेंगे कैसे? दो गुणित दो गुणित दो और गुणित दो बराबर कितना हो जाएगा? दो दुना चार दुना आठ दुना कितना हो जाएगा? 16 हो गया है। इस तरह से यह क्या है, हमारा जितना भी पावर रहेगा उतनी बार इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए, तीन के तीन दिया गया है, चार पाँच छः ऐसे क्या बढ़ता चला जाएगा। आइए थोड़ा सा क्या, अभी जो संख्या हमने ली है 1 2 3 4 लिए हैं, इसका मतलब केवल पॉजिटिव वाले लिए हैं। आइए निगेटिव देखते हैं, जैसे माइनस वन के पावर क्या है, दो कर दें। इसका मतलब ये है माइनस वन का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, जितना पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस वन का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, दो बार करेंगे। तो माइनस वन इंटू माइनस वन, जब माइनस से बुरा माइनस कर देंगे तो क्या जब प्लस हो जाता है, वन से मल्टीप्लाई वन भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक एक का एक हो जाएगा। तो माइनस टू के पावर ये भी हमारा दो रहेगा, इसका मतलब ये माइनस टू का गुणा कितनी बार करेंगे, दो बार करेंगे। माइनस टू और गुणितीय माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। क्यों चार होगा, माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, दो दूना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। इसी तरह से माइनस दो के पावर यदि हम कह दें या फिर तीन कर दें तो कितना हो जाएगा, माइनस दो का गुणा क्या करेंगे, कितनी बार करेंगे, तीन बार गुणा करेंगे। तो माइनस दो गुणित माइनस दो और गुणित क्या हो जाएगा, माइनस दो बराबर। तो माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस गुणा माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दो दुना चार दुना कितना हो जाएगा, आठ हो गया। इस तरह से यह हमारे का घातांक की क्या नियम है, जब भी कोई भी आपको क्या प्रश्न दे दिया गया उसमें पूछेगा प्रश्न, जैसे एक हो गया हम ले रहे हैं टू के पावर थ्री और फिर टू के पावर माइनस चार, फिर कहेंगे टू के पावर माइनस फाइव कितना, इसका मान बताइए कितना होगा। जब ऐसे प्रश्न रहेंगे तो आप इस साधारण तौर पर क्या करेंगे, टू के पावर थ्री इसका मतलब यह है दो का गुणा कितनी बार करेंगे, तीन बार करेंगे। तो लिख लीजिए इसे, दो गुणित दो और गुणित दो बराबर कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। कैसे आठ हुआ, दो का गुणा दोनों के दो दुना चार दुना कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। अब यहाँ पे टू के पावर माइनस फोर दिया गया, टू के पावर माइनस फोर का मतलब ये होता है कि दो के मल्टीप्लाई क्या है, टू पावर माइनस फोर दिया गया, इसे आप लिख लीजिए टू के पावर माइनस फोर, पहले वन बाई टू के पावर फोर बराबर कितना हो जाएगा। अब दो का गुणा कितनी बार करेंगे, चार बार करेंगे। तो वन बाई क्या, दो गुणिते दो गुणिते दो गुणिते दो बराबर कितना हो जाएगा, दो न चार न आठ न सोलह बराबर एक बटे सोलह हो जाएगा। इस तरह से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। और यहाँ पे टू के पावर माइनस फाइव दिया गया, टू पावर माइनस फाइव, तो इसे आप लिख सकते हैं वन बाई दो के पावर पाँच बराबर कितना हो जाएगा, दो का गुणा कितनी बार करेंगे, पाँच बार करेंगे। तो इसे लिख लीजिए एक के बटे दो गुणिते दो गुणिते दो गुणिते दो और गुणित दो बराबर कितना, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस, एक बटे कितना हो जाएगा, बत्तीस हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, जब घातांक दिए रहे घातांक के, इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। यही हमारा क्या है, घातांक के नियम है। और इसे भी हम कह सकते हैं ये हमारे पूर्णांकी की पूर्णांक की घात है। कोई भी पूर्णांक दिया है उसके पावर क्या है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव कुछ भी दे सकता है, तो उसका सोल्यूशन इस तरह से आप इसे करेंगे। आइए क्या है, थोड़ा सा इसमें देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमित संख्या की अवधारणा तथा इनके प्रतिलोम योगात्मक तथा गुणात्मक रूप में, तो योग्य और क्या है आपका क्या है, योजिद्ध की जब क्या है, योग्य जब पूछेगा उसके साइन चेंज कर देना है, जब क्या है इसके गुणन प्रतिलोम की बात करेगा तो क्या है उसका उल्टा कर देना है, उसका इन्वर्स कर देंगे, वही हमारा क्या जाएगा, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। इस तरह से क्या है हम देख क्या रहे हैं, पहला हमारा इसमें टॉपिक है क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये हमारे क्या है नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद आपको दिया गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को क्या है हम लिखते हैं होल नंबर, जो क्या था W के द्वारा होता है, इसे लिखें 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। और क्या है फिर उसके बाद अगला हमारा टॉपिक क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक हम इंग्लिश में क्या इंटीजर कहते हैं, जो कि कैपिटल आई के द्वारा इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई स्क्वायर क्या हो गया 0 ± 1 ± 2 और ± 3 और डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या हो गया इंटीजर नंबर हो गए। उसके बाद परिमेय क्या रहा है, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या को हम इंग्लिश कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को हम क्या है क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या था पी बाई क्या था है क्यू के फॉर्म होता है, जहाँ पे क्यू इज नॉट स्क्वायर क्या होता है जीरो होता है। और क्या है हमारा पी और क्यू, पी और क्यू किस में बिलोंग करते हैं,
आई में करते हैं, मतलब वो क्या है, इंटीजर का क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर जो हर होता है कभी जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तथा इसके प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब क्या हो गया, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है, योगात्मक प्रतिलोम के क्या होते हैं कि जैसे कोई क्या संख्या ले लें और उसे प्लस दिखाते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करता है योगात्मक प्रतिलोम को बताता है। तो इस तरह से क्या है, योगात्मक प्रतिलोम जैसे दो हो गया, दो का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, दो का योग योज्य योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम प्रतिलोम माइनस टू हो जाएगा। अब पूछेगा माइनस सात का क्या हो जाएगा, माइनस सात का योज्य प्रतिलोम कितना है, सात हो जाएगा। छः का क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, छः का माइनस छः हो जाएगा। इस तरह से क्या है, केवल इसके चिन्ह बदल देंगे, वो योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। अब इसी तरह से क्या है, अगला हमारा टॉपिक था गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कोई भी संख्या जैसे दो दे दे, दो का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, दो का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, एक बटे दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक बटे दो। कितनी भी संख्या कम दी रहे उसे एक के बटे कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। और इसके बाद हमने क्या है, एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़े हैं, क्या है, शांत दशमलव संख्या और क्या है, अशांत दशमलव संख्या। ये कोई भी आपको संख्या दे दी जाए और उसके बाद क्या दशमलव संख्या रहे, कहेगा क्या इसे शांत दशमलव संख्या है, नहीं इसे क्या आप क्या बताइए इसकी वैल्यू कितना होगा। देखिए शांत दशमलव संख्या की जब बात करते हैं, जैसे 0.0775 यह हमारा क्या शांत दशमलव संख्या है। अब इसे क्या परिमेय संख्या में बदलना हुआ तो कैसे बदलेंगे, 0.62 0.52 0.14 0.16 ऐसे संख्या दी रहेंगी तो कहेगा क्या आप क्या है इसे क्या है परिमेय संख्या में बदलिए। देखिए परिमेय संख्या बताएं जिसे p बाई q फॉर्म लिखा जाए, जब हमारा q कभी जीरो के बराबर नहीं होगा वही हमारा परिमेय संख्या होगा। आप इसके बाद क्या है, आप परिमेय संख्या की जब बात करते हैं और वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो योग होता है वह हमारी क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इस तरह से क्या है, जब इसे क्या है हमारा क्या दशमलव संख्या दिए रहे और उसे पूछा जाएगा इसे किसी परिमेय संख्या में बदले तो क्या होगा, सबसे पहले कि जितनी संख्या दी रही उतनी लिख लेंगे, दशमलव मतलब एक होता है उसके पीछे जितनी भी संख्या होती है उतनी बार जीरो लगा दो, दो है दो जीरो लगा दें, यहाँ पे 62 है 62 लगा देंगे, कितना है 100, 52 है तो लिखेंगे 52, तो एक दशमलव मतलब एक, दो संख्या पीछे है एक ले लीजिए तो कितना एक हो जाएगा, 1, 2, 3 नीचे 1, 2, 3 जीरो बढ़ेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 है तो बटे आ जाइए, दशमलव मतलब एक पीछे कितनी दो संख्या है तो मतलब दो जीरो बढ़ा दीजिए, 16 है 16 लिख लीजिए, और क्या है पीछे दशमलव मतलब एक हो गया पीछे डबल संख्या है दो जीरो बढ़ा दीजिए, ये हमारी क्या हो गया परिमेय संख्या हो गई। यही हमारा क्या है, ये दशमलव संख्या हो गया, दशमलव संख्या, और ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये हमारा क्या दशमलव संख्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या। तो परीक्षा में क्या एक नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, दशमलव संख्या दिया रहेगा पूछेगा इसका परिमेय संख्या क्या होगा, या दशमलव संख्या दिया रहेगा और कहेगा यह क्या है एक देखिए दशमलव संख्या 0.25 आपको दिया गया है और इसके ऊपर बार लगा दें तो यह क्या अशांत दशमलव संख्या हो गया। बार का मतलब ये होता है कि 0.25 जैसे बढ़ता चला जाएगा, जितनी संख्या को वो बार रहेगी उसकी क्या होती पुनरावृत्ति होती चली जाती है। तो 0.25 ये डॉट डॉट दिखा देंगे इसे बढ़ता चला जाएगा, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसी संख्या के ऊपर ये बार एक जिसे कहते हैं बार मतलब एक क्या होता है एक रेखा खींच दी जाती है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वो संख्या कितनी बार क्या होती पुनरावृत्ति होगी, कितनी बार होगी अनंत तक हम कह सकते हैं।
इस तरह से क्या है, आपको प्रश्न दिया रहेगा कि एक अशांत दशमलव संख्या है, इसे परिमेय संख्या में आप कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप करेंगे, जो अशांत दशमलव संख्या है किसी के इक्वल आप मान लेंगे, लिखेंगे माना एक्ट बराबर 0.25। सबसे क्या इंपॉर्टेंट है 0.25। अब क्या है 0.25 हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक्ट कर लिए। अब इसके ऊपर क्या बार लगा है, बार का मतलब यह है उसका उतनी बार पुनरावृत्ति कराइए। तो पुनरावृत्ति मतलब 0.25 डॉट समीकरण नंबर कौन सा जाएगा, एक। ये हमारा समीकरण कौन सा गया, एक हो गया। अब इसी तरह से क्या है, अब जितनी बार संख्या दशमलव के बाद रहेगा उतनी के क्या करेंगे आप, एक लगा उतनी, जैसे दशमलव एक का एक संख्या ऊपर बार है केवल 10 से मल्टीप्लाई करें, दो संख्या एक बार उतनी 10 गुना मतलब कि 100 से गुणा करेंगे, तीन संख्या के ऊपर बार रहेगा तो मतलब कि 100 को क्या 10 गुना कितना हो जाएगा 1000 से गुणा करेंगे। इस तरह से दोनों पक्षों में किसे जिसे क्या है, इसमें दो संख्या के ऊपर बार है तो मतलब 100 से गुणा करेंगे, एक संख्या के ऊपर बार रहता है तो मतलब 10 से गुणा करते, तीन संख्या के ऊपर बार रहता है 1000 से गुणा करते। तो इस तरह दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, 100 से जब गुणा कर देंगे 100x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 × 0.25 और 25 और 25 डॉट इसे बढ़ता चला जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 25.25 डॉट बढ़ता। ये समीकरण कौन सा जाएगा, 2। अब यहाँ देखिए 100x है और ये केवल 1x है, अब इसमें 100x में x घटा देंगे तो हमारा क्या है कितने x है ये पता चल जाएगा। तो करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से घटाने पर जब इसे घटा देंगे तो कितना जाएगा 100x में इसमें से 1x घटा देंगे, कई x बचेगा 99x बचेगा, तो कितना हो जाएगा 25.25 डॉट डॉट दिखाएंगे, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 0.25 डॉट 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 इतना। अब देखिए दशमलव के बाद क्या 25 सब में है, दशमलव के बाद 25 सब में है तो मतलब कि दशमलव के बाद संख्याएं सेम है तो क्या जीरो सब हो जाएंगे, तो केवल कितना बचे 25 बचेगा, यहाँ पे 100x में से 1x बचेगा क्या हो जाएगा 99x, बराबर कितना हो गया 25 हो गया। अब आपको ध्यान ये देना है कि x का मान निकालने जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे 99 को रिप्लेस करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा 25 के बटे में चला जाए, x बराबर कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 99। यही हमारा क्या हो गया, एक अशांत दशमलव संख्या हमने क्या है परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 0.25 है इसका रिजल्ट कितना आ गया 25 बटे क्या हो गया 99 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या है अशांत दशमलव से क्या है किसी परिमेय संख्या में क्या हमने बदल लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है शांत दशमलव संख्या इतना हो गया। अब इसी के साथ हमने एक क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे आपको, जबकि परीक्षा में कई साल पूछा भी गया है, रोमन क्या है, रोमन नंबर एंड डिजिट। देखिए रोमन नंबर और डिजिट की जब बात करता है तो रोमन नंबर हम जानते क्या है, केवल क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 और इसके बाद L, D, M के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं, और एक क्या था C भी होता है C, D, M। अब देखिए यहाँ पे X आपको सबको पता ही, X मतलब क्या 10 होता है, और ये क्या होता है L मतलब पता ही आपको 50 होता है, C मतलब 100 होता है, और D मतलब क्या होता है 500 होता है, M मतलब क्या होता है 1000। इतने सिंबल का केवल क्या रोमन में यूज करते हैं। और देखिए संख्याओं को क्या है जनरली हम लोग क्या है तीन रूप में क्या पहचान करते हैं, पहला जो क्या था अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है संख्यांक होता है, दूसरा क्या था रोमन क्या संख्यांक होता है, और तीसरा हमारा जो क्या होता है देवनागरी क्या होता है लिपि होती है देवनागरी संख्यांक कहते हैं, जिसे हम लोग क्या है इस पहले क्या है हिंदी शब्दों के रूप में इसे जानते हैं, एक एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा क्या है देवनागरी क्या है संख्यांक हो गए। और क्या है पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या जो ये लिखे हैं
ये इंग्लिश के जो शब्द हम यूज करते हैं ये क्या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या एक बार और देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही हमारा क्या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक है। इसे क्या देवनागरी संख्यांक नहीं कहेंगे, इसे रोमन संख्यांक नहीं कहेंगे, इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक कहते हैं। और ये हमारा रोमन संख्यांक है और ये हमारा देवनागरी संख्यांक, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से ये हमारा क्या हो गया संख्यांक हो गए। आइए इसमें देख लेते हैं क्या एक लास्ट हमारा पॉइंट है रोमन नंबर चार्ट। देखिए ये इस क्या है नेचुरल नंबर इंटीजर और क्या बोलते हैं होल नंबर तथा रेशनल नंबर में एक रोमन नंबर और डिजिट के बारे में बात करते हैं तो इसके चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए इसके चार्ट क्या है हमारा क्या है जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IX, 9, 10 इस तरह से क्या हुआ ये हमारे क्या रोमन अंक हो गए। अब क्या हो गया X, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, X, 18, X, IX, यहाँ पे डबल X इस तरह से यह 19 और ये हमारा क्या हो गया 20। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1 से लेकर 20 तक क्या है रोमन नंबर को क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब आपको देखना है क्या अब 21 हमारा क्या हो जाएगा XX, XX, I 21 ये हमारा क्या हो जाएगा XX और XY रहेगा 22 23 XX 24 XX 25 XX 26 XX 27 XX 3 दे देंगे 28 XX 29 के लिए IX फिर उसके 30 के लिए 3 क्रॉस 3 X दिखा देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ 29 बाद हमारा क्या हो गया 30 हो गए। अब आपको देखना यह है कि 30 के बाद जो हमारा जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा 30 के बाद कितना हो जाएगा 30 31 के लिए 3 क्रॉस 1, 1, 2, 3 क्रॉस सेकेंड 32 33 34 35 36 37 38 39 क्रॉस IX लिखेंगे कि IXL 39। अब अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा XL हो जाएंगे 40 के लिए क्या हो जाएगा हमारा कितना XL ये क्या हो गया हमारा 40 हो गया 41 के XL1, XL XXL, XL 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 XL
डी एक्स, फिर कितना हो जाएगा एक्स एल, कितना हो गया केवल यह एल होगा, यह हमारा क्या हो जाएगा 50, एक्स एल आई एक्स, यह हमारा कितना हो गया 49 हो गया। अब 50 के एल, अब फिर यहाँ से 50 के बाद जो हमारी संख्या स्टार्ट हो जाएंगी
एल एल फर्स्ट एल 51 52, ये हमारा 53 हो जाएगा, एल एस 54 हो जाएगा, एल 55 हो गया, एल 56, एल 57 और एल 58 और एल सॉरी एल वी आई 61 और एल और ये केवल क्रॉस हो जाएगा। तो एल क्रॉस मतलब कितना हो गया, एल 50 और क्रॉस हमारा 10 कितना, 50 और 10 कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या 60 हो गया। अब एक्सेट की बात करेंगे, एल एल एक्स आई एल एक्स डबल एल एक्स ट्रिपल फाइव दे देंगे, एल एक्स आई भी 61 62 63 64 हो गया, एल एक्स 65 एल एक्स 56 एल एक्स ये हमारे क्या 57 हो गए, एल एक्स ये हमारा 3 खड़ी पाई देंगे 58 एल एक्स 58 59 के लिए हमारे क्या आई एक्स हो जाएंगे, एल एक्स ये हमारा 59 हो गया और 60 के लिए एल ये 60 ये 70 के एल क्रॉस क्रॉस ये क्या हो जाएगा हमारे 70 हो जाएगा। अब क्या है 70 और 71 के लिए क्या हो जाएगा, एल एल डबल एक्स आई एल डबल एक्स डबल पाई एल डबल एक्स ट्रिपल पाई और एल डबल एक्स आई भी एल डबल एक्स भी 75 एल डबल एक्स भी आई 76 एल डबल एक्स 77 77 हो गया, एल डबल एक्स 78 हो गया, एल डबल एक्स आई एक्स हो जाएगा, ये कितना हो गया हमारा 79 और क्या एल ट्रिपल क्रॉस दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्यों 80 हो जाएगा, एल मतलब हमारा 50 होता है, एक्स एक एक्स हमारा 10 को रिप्रेजेंट करता है, 3 एक्स लगे तीनों को सम कर देंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, अब 81 जब बात करेंगे एल 3 एक्स यहाँ पे क्रॉस दिखाएंगे 3 एक्स तक एक खड़ी पाई देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 82 के लिए क्या हो गया, एल ट्रिपल एक्स डबल पाई और एल ट्रिपल एक्स 3 पाई दे देंगे 53 83 हो जाएगा, एल एक्स आई भी एल एक्स ये 85 एल एक्स भी आई 86 एल एक्स 87 एल एक्स एक्स 88 एल एक्स 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 आई एक्स ये हमारा क्या हो गया 89 और 90 के लिए क्या हो जाएगा एक्सएल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एक्सएल 90 के लिए हमारा क्या हो जाएगा एक्स सी हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ हमारा एक से लेके क्या हो गया 90 तक ये हमारे क्या रोमन अंक हो गए। अब इसके आगे क्या है 91 92 93 94 95 ये हमारे रोमन अंक हैं। अब इसके साथ साथ क्या है आप देवनागरी लिपि भी ले सकते हैं, देवनागरी लिपि में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या हो गया 10 और क्या 90 के बाद आइए यहाँ पे एक्स सी आई 91 एक्स सी 92 एक्स सी 93 एक्स सी आई भी 94 एक्स सी वी 95 एक्स सी वी 91 एक्स सी भी डबल आई ये क्या 97 हो गया। इसी तरह से 98 के लिए क्या हो जाएगा एक्स सी भी ट्रिपल पाई 98 एक्स सी भी एक्स सी और फिर क्या हो जाएंगे आई एक्स ये क्या हो जाएगा हमारा 99 और 100 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 100 के लिए क्या हो जाएगा केवल कैपिटल सी सी हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरह से क्या है जब हम 100 तक देखते हैं तो 100 तक ये हमारा रोमन अंक यह क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आज इसे के देवनागरी लिखना चाहते हैं 10 क्या 10 हो गया ये हमारा क्या हो जाएंगे 11 या 21 हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा 31 और यह हमारा क्या 41
या 51 और ये हमारा क्या जाएगा 61 या क्या जाए 71 या 81 और ये क्या जाएगी 91। इस तरह से जब 91 फिर गिनती चले आएंगे ये लास्ट वाला जो हमारा क्या होगा किसे बताएगा यह 100 हमारा क्या जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से क्या है यह हमारा क्या हो गया एक बराबर क्या हो गया एक या एक हो जाएगा। और क्या है जब भी रहेगा भी को हम क्या कहें 5 करते हैं और जब क्रॉस भी आ रहेगा इससे क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और क्या जाएगा एल इज कल्टू कितना हो जाएगा 50 और उसके बाद क्या है सी इज कल्टू हमारा क्या हो जाएगा 100 और डी इज कल्टू कितना हो जाएगा हमारा 500 और क्या आ जाएगी एम इज कल्टू कितना हो जाएगा एम इज कल्टू क्या जाएंगे 1000। इस तरह से यही हमारे रोमन अंक क्या है इतनी सिंबल हम क्या यूज करते हैं और क्या है अंतर्राष्ट्रीय संख्या में हमारा क्या है 1, 2, 3 ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संख्या होंगे। और हिंदी के लिए क्या करेंगे हिंदी संख्या के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या 10 ये हमारे क्या हिंदी संख्यांक होंगे। ये हमारे क्या हो गए ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक हो गए और ये हमारे क्या हो गया रोमन संख्यांक हो गया। इस तरह क्या है संख्यांक का 3 प्रकार यूज करते हैं क्या हिंदी क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक होंगे और रोमन संख्यांक हो गया एक हमारा देवनागरी संख्यांक हो गया। इस तरह से क्या हुआ आज की इस वीडियो में हमारा जो क्या है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक का परिमेय संख्या के अवधारणे तथा क्या इसकी जो प्रतिलोम योज तथा गुणात्मक प्रतिलोम के साथ साथ क्या है इसके परिमेय संख्याओं क्या है हमने क्या शान दशमलव संख्या को परिमेय संख्या अशान दशमलव संख्या को या परिमेय संख्या को कन्वर्ट करने की जो क्या है पद्धति था उसी सिस्टम से हमारा क्या हुआ यह चैप्टर क्या हुआ आज कंप्लीट हुआ।